बात करते हो देशभक्ति की, बात करते हो भारत माता जय की, बात करते हो जय श्री राम की। तुम्हें पता है श्री राम कौन थे? तुम्हें पता है श्री राम कौन थे? उनके क्या इरादे थे? उनके क्या कारनामे थे? वो भगवान कैसे बने? भगवान क्या होता है? रिस्पेक्टेड कैसे हुए? लोगों ने रिस्पेक्ट कैसे किया? कुछ पता है उनके बारे में? हिस्ट्री मालूम है उनकी? कुछ पता हो तो बताओ, कुछ पता हो तो बताओ कि क्या थे, क्यों थे, कैसे थे। तुमने सुना क्योंकि हिंदू के घर में सनातन धर्म के लोगों के यहां पैदा हुए हो, इसलिए तुम्हें लगा कि साहब हम तो हिंदू हैं, हिंदू हृदय सम्राट हैं। अरे भैया, हिंदू हृदय सम्राट से पहले पता तो कर लो कि राम कौन थे, सीता क्या थी, लक्ष्मण क्या थे, पता तो कर लो पहले। कमाल है, बताओ। हम ये पूछना चाहते हैं कि जो तुम कर रहे हो वो सत्य है या जो गीता में लिखा है वो सत्य है? और देखो, ये ना कहना है कि मुसलमान आतंकवादी, मुसलमान आतंकवादी, मुसलमान आतंकवादी, नहीं 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 नहीं, ये ना कहना, क्योंकि जब जब मुसलमानों ने ऐसी हरकत की है तब तक हमने सवाल किए हैं और हमने कहा है कि तो जो कर रहे हो ये मुझे कुरान से साबित करके दिखाओ कि ये जायज है, तब तक मैंने सवाल किए हैं। तो आज तुम कर रहे हो तो सवाल तो आज भी बनता है ना, तो हम तुम्हारी गीता तुमको देंगे, तुम पढ़ना, तुम अपने हिसाब से उसका सार्थ मुझे, उसका जो है अर्थ बताना, उसके बाद मैं कहूंगा साहब ये कैसे हुआ, तब बताना कि तुम जो कर रहे हो वो सही है या जो श्री राम ने किया था वो सही है, तुम जो आज महिलाओं की इज्जतें लूट रहे हो वो सही है या लक्ष्मण अपनी भाभी के लिए, अपने भाई की पत्नी के लिए जान कुर्बान देने को तैयार था वो सही है। भैया तुम ही बता दो, मैं लक्ष्मण को पूजूं या तुमको, मैं लक्ष्मण को मानूं या तुमको, किसको मानूं? हमें हिंदू धर्म मानना है। चलो मैं आज यहां पर 1800 लोगों, 1700 लोगों के साथ सामने कहता हूं मुझे हिंदू धर्म फॉलो करना है। चलो सबके सामने, 1000 तो होंगे यहां हिंदू ना, सबके सामने कहता हूं मुझे हिंदू धर्म को मानना है। रिस्पेक्ट तो मैं करता हूं हर धर्म की, बहुत अच्छे से करता हूं, कभी किसी धर्म को नहीं टारगेट करता हूं, मुझे हिंदू धर्म को मानना है। अब ये बता दो कि मैं किसको मानूं, उनको मानूं जो श्री राम वाले हैं या उनको मानूं जो तुम लोग हो, मैं किसको मानूं बताओ? फैसला तुम पर छोड़ता हूं। कई बार मैंने ये सुना है कई लोगों से कि जब बात इस्लाम की आती है तो मुसलमानों के बीच आपस में नाइत्तेफाकियां होती हैं और उनकी वजह से इस्लाम धर्म, जो इस्लाम है असल इस्लाम है, वो दूसरों तक सही नहीं पहुंच पाता है। उसकी वजह यह होती है कि एक फिरका कुछ कहता है, दूसरा फिरका कुछ कहता है। कई मसले ऐसे, हर मसले नहीं लेकिन कुछ मसले ऐसे होते हैं जिसमें नाइत्तेफाकियां हो जाती हैं और फिर अगले के पास गलत मैसेज जाता है कि साहब इनमें खुद ही नहीं एकता है तो हम क्या। तो अब मैं जानना चाहता हूं कि अब वजह बताओ कि हिंदू धर्म कौन सा है, सॉरी सनातन धर्म कौन सा है। हम सनातनी बनना चाहते हैं, अब मुझे बताओ कि हम किसको फॉलो करें, हम इन हिंदुओं को फॉलो करें, बोलो हम इन हिंदुओं को फॉलो करें या हम उनको फॉलो करें जो गीता में हैं, जो रामायण में हैं। अच्छा, अगर गीता और रामायण वालों को फॉलो कर लेंगे तो भैया देश में कोई मिलेगा जो हमारा साथी बन जाए? कोई होना चाहिए ना भैया, हम किसको देख करके बनेंगे आगे? हम अगर आप मुसलमान बनना चाहते हैं तो किसको देख के बनेंगे? अगर आप इस्लाम धर्म की इज्जत करना चाहते हैं तो किसको देख के करेंगे? आप तो मेरे कुरान पढ़ने नहीं आएंगे ना, आप तो मुझे ही देखेंगे ना कि ये आदमी मुसलमान है, ये जो हरकत कर रहा है ये इसके धर्म में है, यही होता है ना भाई। कोई मेरा धर्म की किताब क्यों पढ़ेगा? वो मुझे देखेगा क्या भाई, ये काम ये कर रहा है, ये भूखे को खाना खिला रहा है, मतलब इसका धर्म ये कहता है, और अगर भूखे के से खाना छीन रहा है तो इसका धर्म ये कह रहा है, तभी तो। तो अब हमें मानना है हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को। अब मैं किसको मानूं, मैं तुम्हें फॉलो करूं, जय श्री राम, जय श्री राम, शेर करो हिंदू शेरों, उनको मानूं या हम उनको माने जो सबरी की झूठी बेर सिर्फ इस वजह से खा लेते हैं ताकि सबको बराबर समानता दी जा सके। अब बताओ मुझे, माने तो माने किसको, बताओ मुझे भाई। मैंने जहां तक पढ़ा है या मैंने जहां तक जाना है, जहां तक समझा है, वहां तक बात कर रहा हूं, ज्यादा धर्म के अंदर की बात नहीं करूंगा क्योंकि मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है अभी सनातन धर्म में, तो इस वजह से हिंदू धर्म तो है ही नहीं है, सनातन धर्म में मुझे इतनी ज्यादा जानकारी नहीं है, इस वजह से जितना मालूम है उतना बता रहा हूं। मुझे यह पता है, मुझे यह पता है कि राम ने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की है जिससे डिवाइड होता हो, जिससे बंटवारा होता हो, जिससे किसी धर्म को या किसी पर्सन को तकलीफ होती हो। तो फिर हम किसको माने? राम को माने, लक्ष्मण को माने, कृष्ण को माने, सीता को माने या तुमको माने? अब ये बता दो कि हम किसको फॉलो करें, पायल रोहतगी को करें या सीता को करें? नहीं, बता दो मुझे करना किसको है, तुम बता दो, तुम्हारे हिसाब से कर लेंगे भाई, हम तुम्हारे हिसाब से बैठ जाएंगे।
या तो पायल रोहतगी को मान जाए जो आती है और कहती है जय श्री राम, हिंदू भाइयों शेयर करो, मेरी बात मुल्लों तक पहुंच जानी चाहिए। और उसके बाद कहना शुरू हो जाती है मुल्ले आतंकवादी होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, वो होते हैं, वो होते हैं, उसके बाद चली जाती है। हम उन्हें फॉलो करें या हम उन्हें फॉलो करें जिन्होंने नींव रखी थी धर्म की, इंसानियत की, धर्म रखो किनारे, इंसानियत की नींव रखी थी, हम उनको फॉलो करें। अब तुम बता दो कि हमें फॉलो किसको करना है, तुम बता दो। अगर मिर्ची लग रही है तो कोई बात नहीं, दो चार और रगड़ लेना, चिंता की बात नहीं है, दो चार और रगड़ लेना, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है मिर्ची लगाने में।